हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं सौरभ सेंगर आपके लिए ले चुका हूँ स्टैटिक का 6 पार्ट, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मतलब इससे पहले मैं 5 पार्ट ला चुका हूँ, आपने नहीं देखे तो उसको देख लेना, ठीक है ना। अब इसको स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हुई थी। कौन से और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है अपने मध्य प्रदेश में। कब की जनगणना है? 2018 की। 2018 के बाद से अभी नहीं है। और कर्नाटक दूसरे नंबर पर 524 के साथ, ठीक है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? एमपी में। कुल कितने हैं? 6, वो भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला कौन सा है। तो पहला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? नामदफा, कामलांग और पक्के। नामदफा और पक्के, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद बिहार। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा? वाल्मीकि। ओके, देखिए इससे आगे बढ़ते हैं अपन। तो थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व अपने? गुरु घासीदास, अचान कंवर और इंद्रावती। अच्छा, ये गुरु घासीदास जो अभी बना है, कौन सा? 53वां। टोटल कितनी? 53, और ये लास्ट है जो अभी बना है 2022 में। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज अभी बना है, ये करंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा अपना, ठीक है ना। इसकी ट्रिक देखते हैं छत्तीसगढ़ की। तो देखिए, 36 गुरु अचानक किससे मिले? इंद्रावती से। 36 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा अपना। गुरु से गुरु घासीदास, अचानक अचानक से अचन कंवर, और इंद्रावती से इंद्रावती जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है असम। असम में कौन कौन से अपने? मानस, नामेरी और काजीरंगा। ये तो और भी, लेकिन मैंने वही लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, मैंने सारे नहीं लिए। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड एकमात्र कौन सा है? पलामू, ठीक है। उसके बाद केरल। केरल में कौन कौन से? पेरियार, परम्बिकुलम। केवल दो ही है। और इसकी ट्रिक देखते हैं अपन। परम यार केरल से है। परम से क्या हो जाएगा? परम यार पेरियार और केरल से। अपना परम यार कहाँ से है? केरल से है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से है? बांदीपुर, बांद्रा, अंसी और बीलीगिरी, ठीक है। ये बीलीगिरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। इसकी ट्रिक देखते हैं अपन। बिल्ली को देखकर, इसको देखकर, बिल्ली बिल्ली को देखकर अंशी नाटक करती है और कहती है इसको बांध लो ब्रदर, ठीक है। समझ जाओ इसको, बिल्ली से क्या हो गया? बिल्ली गिरी। अंशी नाटक करती है और कहती है बांध लो, बांध से बांदीपुर और ब्रदर से बांद्रा। ओके, आगे देखते हैं। इससे आगे चलते हैं अपन। 8 नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा, आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा टाइगर है जो मध्य प्रदेश में। टोटल 6। अच्छा, से बाघों की संख्या कितनी है? 526। इस सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटक, जिसमें कितनी है? 524। ये दोनों डाटा के याद रखना है, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के देखते कौन कौन से हैं। पहला कान्हा किसने? पेंच, टाइगर रिजर्व। बाधव का टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा और संजय गांधी। ये 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के 6 के 6 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। देखते हैं, संजय जी कान्हा के साथ 5 बजे। संजय जी, संजय से क्या हो गया अपने? संजय गांधी। कान्हा जी के साथ मिलकर 5 बजे कहाँ गए? अपने गढ़। कहाँ गए? अपने गढ़ पर। वहाँ 7 पूड़ी खाई और पानी पिया। तो संजय से संजय गांधी हो गए अपने। कान्हा से कान्हा किस लिए हो गया, ठीक है। 5 बजे से पेंच, गढ़ से बांधवगढ़, 7 पुरी से सतपुड़ा और पानी पिया मतलब पन्ना। हो गया अपनी ट्रिक। उसके बाद आता है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो जिम कॉर्बेट और राजा जी। जिम कॉर्बेट पहला था, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, जो 1973 में आया था, बनाया गया था। और कौन, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? राम गंगा। और सेकंड नंबर आता अपना राजा जी, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है, लेकिन मैंने 3 ही लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? सह्याद्री, नवेगांव और बोर। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। उसके बाद हम रहा था उड़ीसा का, तो उड़ीसा में कौन कौन से है? अपने सिमलीपाल और सतकोसी है, ये 2 टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? उड़ीसा के। ठीक है, ये थे अपने कुछ टाइगर रिजर्व। अभी और भी बाकी रह गए जिसको मैं कल कराऊंगा, तो ये अपने स्टेटिक का 6वां पार्ट है। ऐसे स्टेटिक के और भी पार्ट आते रहेंगे, अभी बहुत टॉपिक बचे हैं जिनको मेरे को कवर कराना है। जैसा कि आज सीजीएल का पेपर हुआ था, उसमें स्टेटिक के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मेरी सीरीज थे उससे भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन फंसे थे। तो अभी मैंने 4-5 टॉपिक कराए हैं, उसमें से अगर 1-2 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो सोचिए जो पूरी सीरीज कराने के मेरे कितने क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो स्टैटिक को एसएससी रामबाण है, तो एसएससी की जीके क्लियर करने के लिए अपन को स्टैटिक को करंट पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपसे